मशहूर उर्दू शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार को निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी थी। बाद में खुद भी राहत इंदौरी ने इस बारे में ट्वीट किया था। राहत इंदौरी ने खुद भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और बिंदु हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूँ। एक और इल्तजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। गौरतलब है कि राहत इंदौरी एक मशहूर शायर थे, साथ ही वे बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिख चुके हैं। राहत इंदौरी की उम्र 70 साल थी। ऐसे में उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब मंगलवार को उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का असर काफी तेजी से फैल रहा है। इंदौर भी शुरुआत में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। बीते दिनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आए थे, हालांकि अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। राहत इंदौरी के निधन से उनके चाहने वाले को बड़ा झटका लगा है और सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले लोग उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 81 हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।